हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को लेके, जिसमें आज हम लोग उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा थी 2020 की, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है बंगाली, निकोबारी, हिंदी या फिर अंडमानी? तो इसका सही जवाब है हिंदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ईमेल किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य माध्यम के, मुद्रण माध्यम के, परंपरागत माध्यम के या फिर आधुनिक दृश्य माध्यम के? तो इसका सही जवाब है आधुनिक दृश्य माध्यम के। अगला प्रश्न, बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या फिर बिहारी की? तो इसका सही जवाब है पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? मतवाला, सरस्वती, कल्पना या फिर प्रतीक? तो इसका सही जवाब है मतवाला। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है ए वंशीधर, भूषण, दत्ताजी राव या फिर यशोधर बाबू? तो इसका सही जवाब है यशोधर बाबू। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? तो इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया 2005 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई सन 1858 में, 1865 में, 1874 में या फिर 1880 में? तो इसका सही जवाब है 1874 में। अगला प्रश्न, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, असहाय महिला कल्याण, दिव्यांग बालिका कल्याण या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। अगला प्रश्न, यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, आसन बैराज विहार का संबंध है हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू से या फिर चिड़िया से? तो इसका सही जवाब है चिड़िया। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है पेरिस में, लंदन में, बर्लिन में या फिर ब्रुसेल्स में? तो इसका सही जवाब है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी सन 1902 में, 1901 में, 1905 में या फिर 1918 में? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1901 में। देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो दुस्को या फिर ठुल खेल है एक क्रांति, विवाह, कुश्ती या फिर पहाड़ी रामायण? तो इसका सही जवाब है पहाड़ी रामायण। अगला प्रश्न, न्योली है वन गीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्र या फिर ए और सी दोनों? तो इसका सही जवाब है वन गीत। अगला प्रश्न, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जफर या फिर परशार गौड़? तो इसका सही जवाब है पराशर गॉड। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभाजित किया गया? सन 1839 में, 1836 में, 1840 में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है 1839 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फारूक सियार ने, शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम प्रथम ने या फिर सुजाउद्दौला ने? तो इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद का गठन किया गया सन 2004 में, 2005 में, 2003 में या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो सही जवाब है 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कमेट, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो इसका सही जवाब है गुरु शिखर। अगला प्रश्न, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वन अग्नि का प्रकार नहीं है? सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, ट्री फायर या फिर फायर स्टॉर्म? तो इसका सही जवाब है ट्री फायर। अगला प्रश्न, बाल गंगा सहायक नदी है भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी की या फिर पिंडर की? तो इसका सही जवाब है भिलंगना की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में नागरीय स्वायत्तता शासन प्रणाली की शुरुआत हुई सन 1915 में, 1916 में, 1917 में
या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है सन 1916 में। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान 2019 नारिसा शर्मा को प्रदान किया गया, उनके उपन्यास परिजात के लिए, अजनबी, जजिरा के लिए, दहलीज के लिए या फिर कागज की नाव के लिए। तो इसका सही जवाब है कागज की नाव। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिग्नल विंडो सिस्टम जो कि पथिक शुरू किया गया, ए राजा जी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। तो इसका सही जवाब है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गए थे, लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद। तो इसका सही जवाब है रुद्रचंद। अगला प्रश्न, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई, बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, सुनिधि राय या फिर अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका सही जवाब है बीना दास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है, बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी या फिर श्रीदेव सुमन। तो इसका सही जवाब है श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है एनीमोमीटर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 24 अप्रैल को या फिर 14 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है समाजवादी राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्रता समाज की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर गांधी जी के राम राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही जवाब है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, हाथी की प्रजाति के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। अगला प्रश्न, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए, मलारी, कोशा, कैलाशपुर या फिर नीति। तो इसका सही जवाब है मलारी। अगला प्रश्न, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, कोठार, कोलागढ़, किशाऊ या फिर सूरीधार। तो इसका सही जवाब है सूरीधार। अगला प्रश्न, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर उत्तराखंड। तो इसका जवाब है उत्तराखंड। आज का अगला प्रश्न, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है कनक पाल को, अजय पाल को, जगत पाल को या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है अजय पाल को। आज का अगला प्रश्न है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग। आज का अगला प्रश्न है, काचुला खर प्रसिद्ध है जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ए के नारायणन या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब है ए के नारायणन। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के समस्त सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। तो इसका सही जवाब है संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सन 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1987 में। तो इसका सही जवाब है सन 1984। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को, वी कुरियन को, जी एस भल्ला को या फिर बलवंत राय मेहता को। तो इसका सही जवाब है वी कुरियन। अगला प्रश्न, चौफुला है एक आभूषण, अभिलेख, नृत्य या गुफा।
तो इसका सही जवाब है नृत्य। अगला प्रश्न, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया 450वीं जयंती के रूप में, 550वीं जयंती के रूप में, 650वीं जयंती के रूप में, या फिर 651वीं जयंती के रूप में। तो इसका सही जवाब है 550वीं जयंती के रूप में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? गंगोत्री, खतलिंग, पिंडर या फिर कफनी। तो इसका सही जवाब है गंगोत्री ग्लेशियर को। अगला प्रश्न, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो उसका सही जवाब है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी जयसिंह और राम सिंह द्वारा, चूरामन और बदन सिंह द्वारा, सूरजमल और बदन सिंह द्वारा, या फिर राम सिंह और चूरामन द्वारा। तो इसका सही जवाब है चूरामन और बदन सिंह द्वारा। आज का अगला प्रश्न है, बंदरपूंछ स्थित है उत्तरकाशी जिले में, अल्मोड़ा जिले में, बागेश्वर जिले में, या फिर पिथौरागढ़ जिले में। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई सन 1952 को, 1955 को, 1945 को, या फिर 1950 को। तो इसका सही जवाब है 1952। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है रामनगर में, बागेश्वर में, गोपेश्वर में, या फिर जागेश्वर में। तो इसका सही जवाब है गोपेश्वर में। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, किसी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। अगला प्रश्न, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई भैरवदत्त जोशी द्वारा, कृष्णानंद जोशी द्वारा, मोहन सिंह भाकुनी द्वारा, या फिर ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। तो इसका सही जवाब है ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बांज, चीड़, साल या बुरांस। तो इसका सही जवाब है बुरांस। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई कोयम्बतूर में, चेन्नई में, मामलापुरम में, या फिर कृष्णागिरी में। तो इसका सही जवाब है मामलापुरम में। अगला प्रश्न, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली। तो उनकी जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? सर एंटनी मैकडोनल, विलियम लुटियंस, आर रॉस्किन बेनी, या फिर AC चैपमैन। तो इसका सही जवाब है विलियम लुटियंस ने। अगला प्रश्न, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना गया है? शेख सलीम चिश्ती, शेख कादिर जलानी, शेख अहमद सरहिंदी, या फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका सही जवाब है शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया सन 2011 में, 2012 में, 2013 में, या फिर 2014 में। तो इसका सही जवाब है सन 2013। अगला प्रश्न, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? शोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या फिर वाहमय मंडल में। तो इसका सही जवाब है शोभ मंडल में। अगला प्रश्न, यशोधर मठपाल का नाम किससे जुड़ा है? कहानी से, चित्रकला से, कविता से, या फिर संगीत से। तो इनका जो नाम है वो जुड़ा है चित्रकला से। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सरमन ओकले, H.G. वॉल्टन, G.R.G. विलियम्स, या फिर एडविन टी एटकिंसन। तो इसका सही जवाब है एडविन टी एटकिंसन। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई 2006 में, 2007 में, 2009 में, या फिर 2008 में। तो इसका सही जवाब है 2008 में।
माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा सही से, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? ए भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट, परमाणु रिएक्टर से होने वाला विकिरण को रोकने के लिए बेहद हल्का अवकरण, फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए रेडियोधर्मी कोटिंग, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये एक भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। अगला प्रश्न, भेकल ताल एवं ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं उत्तरकाशी जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, बागेश्वर जिले में, या फिर चमोली जिले में? तो इसका सही जवाब है चमोली जिले में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।